हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सपातगिरी ग्रामीणा बैंक आप यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि इसका अकाउंट बैलेंस एंड मिनी स्टेटमेंट घर बैठे कैसे चेक करें अपने मोबाइल फोन से, ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं सपातगिरी ग्रामीणा बैंक का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन लिया हूँ इसी से लिया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी URL के बात करूँ वेबसाइट की, तो यहाँ पे URL है सपातगिरी ग्रामीणा बैंक। ओके, तो दोस्तों चलिए बताते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है इस बैंक में जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जैसे आपका नंबर जो है इस बैंक में रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल का डायल बॉक्स यहाँ पे खोलना है और यहाँ पे एक नंबर बता रहा हूँ, मिस कॉल नंबर, जो जिस पे आपको मिस कॉल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से। तो वो नंबर है दोस्तों 9540011233। इस पे आपको क्या करना है, कॉल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से। जैसे ही कॉल करेंगे, दो रिंग के बाद एक कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर उधर से एक SMS आएगा जिसमें आपका अकाउंट बैलेंस बता देगा। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, वेबसाइट पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेबसाइट पे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इनेबल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक सर्विस वाला एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्त देखेंगे मिस कॉल बैंकिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए वो नंबर दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना दोस्तों, यही नंबर है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है मिस कॉल बैंकिंग, जो कि अभी मैं बताया हूँ, जिसपे कि आपको कॉल करना है। चलिए बात कर लेते हैं इसका, अगर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए SMS का तरीका अपनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, अपना मोबाइल का SMS बॉक्स खोलना है और यहाँ पे आपको स्टार चैट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक नंबर बता रहा हूँ जिसमें आपको SMS करना है, जो कि नंबर है 9540011233। इस पे आपको क्या करना होगा, SMS करना है। इस पे आपको SMS में क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखना है STMT। ये लिख के और भेज देना है आपको वो नंबर से जो इस बैंक में रजिस्टर होगा। जैसे ही भेज देंगे, फिर उधर से SMS आएगा जिसमें आपका लास्ट 5 ट्रांजेक्शन दिखा देगा कि आप कहाँ लेन देन किए थे। तो ये देखिए वेबसाइट पे वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए सेविंग अकाउंट लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के लिए ये SMS जो दिए बताया गया है, ये कीवर्ड आप यूज करेंगे तो आपका लास्ट 5 ट्रांजेक्शन दिखा देगा SMS का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी है तो ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा।